तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी मेरा घर पे ये भगवान का जो पूजा है, जो तैयम बोलते हैं केरला में, तो ये मेरे कुल के मंदिर का ही ये पूजा चल रहा है, जिसमें हमारे सारे रिलेटिव्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये जो है, ये अभी शुरुआत जो भगवान की पूजा जो प्रारंभ होता है, उसी का ये पहला जो सीन है। और ये 6 बजे शाम को शुरू होने के बाद दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक, ये 8 बजे तक ये चलता रहता है। और ये महीना 9 तारीख को ये रखे थे हम लोगों ने, यहाँ पे नॉनवेज खाना, सब वेजिटेरियन खाना सब बनता है। फिर सभी रिलेटिव्स मिलके यहाँ पे वो भगवान का जो एक जो सज के जो एक एक भगवान जो सजते हैं, वो उनके उसके बाद उनका नृत्य रहता है। ये है आग पे नाचने वाली भगवान है, तो इसका भी अलग एक स्टोरी है, जो ऐतिहासिक स्टोरी है इसका। तो इसका ती चामुंडी कहते हैं इसको, यानी आग का चामुंडी है। तो ये जो है, ये आग पे चलती है। दूसरे इसके बाद ये अभी 6 बजे शुरू होने के बाद अभी 7 बजे तक चलता रहेगा। इसके बाद दूसरा भगवान तैयार हो रहा है। तो ये इनका जो ये खेल है, ये ख़त्म होने के बाद ये हमारे घर में आते हैं और कुछ ना कुछ हमें बोलते हैं, हमारी किस तरह से भगवान हमारी रक्षा करेंगे इस साल, और कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है, सब कुछ देख के बताते हैं। और उसके बाद जो जिस जिन जिनको उसके ऊपर एक एक पूजा करनी रहती है और भगवान की प्रार्थना करना रहता है, और दीपक जो 6 बजे जलाना पड़ता है, और इनका जो मंदिर है, जो आपने अभी देखा था, वहाँ पे सभी रिलेटिव्स को कहते हैं कि मंदिर आके माथा टेकना है, और शाम को माथा टेकने के लिए आने के लिए कहते हैं, कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए कहते हैं, जैसे घी, तेल, फिर पैसे, फिर मोमबत्ती, वो उसमें जो रहता है ना धूप और अगरबत्ती, सब उन लोग डालने के लिए कहते हैं। ये मेरे माता और पिताजी हैं। तो दूर पे जो ग्रीन कलर का हाउस दिख रहा है, वो मेरा है। ये जो घर है, ये मेरे आंटी जी का घर है, बड़े भैया बड़े पापा के घर है। और यही है वो मंदिर जहाँ पे सभी रिलेटिव्स को आना रहता है। ये अभी भगवान, इसमें एक रिवाज है, ये दूसरा भगवान अभी सजा हुआ है, ये वाला सेकंड है। वो दूसरा वाला, पहला वाला जो ती चामुंडी है, उसका ख़त्म हो गया है, अभी ये दूसरा है। अभी इनका पूरा नृत्य रहता है, तो इसको तोंडचन कहते हैं। और भी बहुत सारे तैयम अभी सज के आएंगे, तो एक एक टाइम वेरिएशन में इनका एक एक टाइम रहता है, बहुत देर तक इनका नृत्य रहता है। सुबह के 3 बजे पहले ये 8 बजे 9 बजे तक चलेगा, फिर 10 बजे 11 बजे, फिर 12 बजे रुकता है। 12 बजे रुकने के बाद फिर से बीच में 2 बजे ऐसे फिर से शुरू हो जाएगा। फिर 3 बजे सबसे इम्पोर्टेंट एक रहता है, जो
और हर कोई जल्दी से उठ के मुँह धो के तैयार होके देखते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं। उसके बाद फिर से 3 बजे फिर से एक उनका तेयम रहता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं सो के उठ के 3 बजे के तेयम के लिए मैं फिर से उठी थी। और ये देखिए, मेरे अंकल जी, मेरे पिताजी, हर कोई वहाँ पर से प्रसाद ले रहे थे। ये भी दूसरा एक तेयम, ये देखिए मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया भगवान ने। ये पापा के जो भाई लोग हैं, और ये जो बीच में खड़े हैं वो मेरे भैया है, एक कज़न है, और ये लोग सभी मेरे रिलेटिव्स हैं। यहाँ पे जो भी है सभी मेरे रिलेटिव्स हैं। उनका भी नृत्य रहता है। आग के ऊपर इनका भी नृत्य चलता है, ये भी आग के ऊपर से जाते हैं। और दूसरे जो इनके साथ जो आग का ये देखते हैं, वो भी इनके साथ ही आग को उछालते हैं और ये उसके ऊपर से चलते हैं। तो मैं पूरा वीडियो ले नहीं पाई कि मेरे फ़ोन का बैटरी भी लो हो गया था। ये देखिए, घर के अंदर ये भगवान आए हैं और हमें बहुत आशीर्वाद दिया।